Hey Debbie. Happy birthday, Peter. 20 साल हो गए हमारी फ्रेंडशिप को. इतने साल मुझे ढीला कैसे? क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? लगता है कभी नहीं सुधरेगी. चांस ही नहीं है. डेबी, कभी तो ब्रेक ले लो यार. नहीं, प्रैक्टिकल होना चाहिए. सिंगल मॉम के लिए कुछ भी आसान नहीं होता. सही कहा. तो खुआ सुन के मेरे पास एक आइडिया है. मैं एक हफ्ते के लिए अहले आकर जैक का ध्यान रखता हूँ और तुम मेरे घर पे रह लेना. ये ठीक नहीं लग रहा. तुम्हें इसकी जरूरत है. मुझे रोको मत. जैक का ख्याल रखना आसान नहीं है. पर मैं इसमें बाप हूँ. तो अगर मैनहट्टन में कहीं किसी रोमांचक सफर में कोई हॉटी टकरा जाए तो वैक्स करवा लेना. वैक्स? ओ अच्छा, वहाँ वैक्स करवाना. ओ, ये तो हरगिज नहीं होने वाला. ये जगह खूबसूरत है. हाय, मैं हूँ डेबी. वो डेबी हो? पीटर हर वक्त तुम्हारी बातें करता है. थोड़ी सी शर्मिंदा हो रही हूँ. इसके नीचे कुछ भी नहीं पहना. ओह, वैसे इस हालत में हमने किसी न किसी के दरवाजे पर दस्तक जरूर दी है. मॉम कहती है औरतें अब से नहीं संभलती. अच्छा, ये बोलती है? तो अब आगे क्या होगा? क्या हम मुद्दे पर टिके रह सकते? आप हर सवाल का सवाल से जवाब देते हैं. क्या तुम हर सवाल का सवाल करके सवाल से जवाब देते हो? तुम्हारी लव लाइफ कैसी चल रही है? जैसे खाली मैदान में तेज हवा. वो यम्मी लगता है. कहाँ जा रही हो तुम? समझ में नहीं आ रहा इससे कहूँ क्या. तुम्हारा नंबर मिल सकता है? ओह माय गॉड, लो. वो तो फिदा हो गया तुम पर. नहीं, ऐसा नहीं है. हम एक दूसरे को सब कुछ बताते हैं, है ना? सब कुछ. लगता है शायद मुझे कोई मिल गया. एक बात बताऊं तुम्हें? जल्दी बताओ. जो रात मैंने डेबी के साथ गुजारी थी उसके बाद वो मेरा दिमाग से जा ही नहीं रही थी. उसे बता दो. अब देर हो चुकी है. ये क्या? इसे तो अच्छा आप गाली दे देते. रुको, ये सब क्या है? पीटर को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है, है ना? हमारी रिलेशनशिप जो है काफी नई है. प्लान थोड़ा उल्टा पड़ गया. नहीं, तुम्हें सिर्फ एक बार चांस लेना है. मैं कोई चांस नहीं लेती. तो अब हम क्या करने वाले हैं?